गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के पीरियड में हम देखने वाले हैं हेटरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। तो देखो, ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर आपको जो डार्क बॉडी दिखाई दे रही है, डार्क बॉडी, इट इज कॉल्ड एज हेटरोक्रोमैटिन। और जो लाइट रीजन है, लाइट रीजन, इट इज कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। ओके, सपोज ये सेंट्रोम हियर है, सेंट्रोमियर। ओके, तो सेंट्रोमियर को छोड़ के यहां पे टिलोमियर और सेंट्रोमियर के नियर या फिर इंटरकैलेटेड बीच में कहीं तो डार्कली स्टेंड बॉडी प्रेजेंट है। डार्कली स्टेंड, हाईली कंडेंस्ड जीन्स आर प्रेजेंट, मोर अमाउंट ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट। सो सच क्रोमैटिन इज कॉल्ड एज हेटरोक्रोमैटिन। और जो लूजली अरेंज्ड क्रोमोसोम्स है, लाइटली स्टेंड क्रोमोसोम्स है, दे आर कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। सो टुडे वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज हेटरोक्रोमैटिन एंड व्हाट इज यूक्रोमैटिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज हेटरोक्रोमैटिन। हेटरोक्रोमैटिन, ओके। So in eukaryotic cells, some segments of chromonema in eukaryotic cells, some segments of chromonema or chromosome और क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेस एंड अर्ली प्रोफेस रिमेन इन ए कंडेंस्ड स्टेट These regions constitute heterochromatin. These regions localized near centromere. These regions are localized near centromere, telomeres, and also intercalated. It is genetically mostly inactive. It stains strongly and appears dark. Heterochromatin is 2 to 3 times more rich in DNA. Heterochromatin is 2 to 3 times more rich in DNA than in the euchromatin.
ओके तो देखो सब पॉइंट्स यहां पे बोर्ड पे लिखा है मैंने, तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं व्हाट इज हेटरोक्रोमैटिन। तो देखो यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ सेगमेंट्स है क्रोमोनिमा के या फिर क्रोमोसोम के जो इंटरफेज में और अर्ली प्रोफेज में कंडेंस्ड स्टेट में रहते हैं, इंटरफेज में और अर्ली प्रोफेज में वो कंडेंस्ड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। दीज रीजन्स कॉन्स्टिट्यूट हेटरोक्रोमैटिन। सो ये कंडेंस्ड रीजन जो रेड कलर का पैच दिख रहा है, रेड कलर का पैच वो हेटरोक्रोमैटिन है। ये आपको इंटरफेज में और अर्ली प्रोफेज में कंडेंस्ड स्टेट में दिखेगा, इट इज हेटरोक्रोमैटिन। ओके कहां कहां पर प्रेजेंट है देखो, दीज रीजन्स आर लोकलाइज्ड नियर सेंट्रोमियर, टीलोमियर्स एंड इंटरकैलेटेड। इंटरकैलेटेड का मतलब होता है बीच में कहीं तो। ओके और इट इज जेनेटिकली मोस्टली इनएक्टिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जेनेटिकली इनएक्टिव है और इट स्टेंस स्ट्रांगली। तो ये डार्क कलर की बॉडी दिखाई देगी आपको, डार्क कलर की बॉडी अपीयर्स डार्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेटरोक्रोमैटिन इज टू टू थ्री टाइम्स मोर रिच इन डीएनए देन इन द यूक्रोमैटिन। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट हेटरोक्रोमैटिन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज यूक्रोमैटिन। हाँ, द टर्म हेटरोक्रोमैटिन वॉज गिवन बाय हिट्स, साइंटिस्ट हिट्स। Now let us see what is euchromatin. Euchromatin. I will write the points here so that you can read and write also. So euchromatin, in the diagram you can see the lightly stained region. So the white patches are euchromatin except this centromere. Okay. So here, here and here, these are euchromatin. So euchromatin, the regions of chromonema which are in the regions of chromonema which are in non-condensed state, which are in non-condensed state, non-condensed state constitute heterochromatin, euchromatin. So the regions of chromonema which are in non-condensed state constitute euchromatin. Okay, तो ये नॉन कंडेंस्ड रीजन है, यहां पे मतलब लूजली अरेंज्ड जीन्स प्रेजेंट है, लूजली अरेंज्ड डीएनए प्रेजेंट है। सो दीज आर कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिक रीजन स्टेन लाइट, यूक्रोमैटिन रीजन स्टेन लाइट, Euchromatin is genetically more active than heterochromatin. Euchromatin is genetically very much active and fast replicating. Okay, euchromatin is transcriptionally active. Euchromatin is trans
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. ओके, सो दिस इज अबाउट यूक्रोमैटिन. तो देखो क्रोमोसोम के ऊपर जो लूजली अरेंज्ड लाइटली स्टेन्ड जीन्स है, दीज कॉन्स्टिट्यूट यूक्रोमैटिन. करेक्ट. नाउ लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन हेटरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन. फर्स्ट डिफरेंस, हेटरोक्रोमैटिन दे आर डार्कली स्टेन्ड, यूक्रोमैटिन लाइटली स्टेन्ड. हेटरोक्रोमैटिन दे आर डेंसली पैक्ड, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड. हेटरोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. इन हेटरोक्रोमैटिन मोर अमाउंट ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट, इन हेटरोक्रोमैटिन लेस अमाउंट ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेटरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन. थैंक यू बेटा.